एक गरीब मासूम बच्चा गोलगप्पे बेच रहा होता है। अभी एक लड़की गोलगप्पे खाने आती है और कुछ गोलगप्पे खाने के बाद एक गोलगप्पा लड़की के हाथ से छूट जाता है और उनके कपड़े खराब हो जाता है। तभी लड़की कहती है, मेरे कपड़े खराब किए, इसके पैसे कौन देगा। अभी गरीब मासूम बच्चा कहता है, मैडम आप मुझे पागल मत समझो, आपने कह दिया तो मैं अपनी गलती मान लूं क्या। अभी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उनका बॉयफ्रेंड आकर मासूम बच्चे के सारे गोलगप्पे रोड पर फेंक देता है और उनके पूरे पैसे छीन लेता है। फिर मासूम बच्चा गाँव से शहर जाता है और वहाँ एक रेस्टोरेंट में अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढने लगता है। तभी रेस्टोरेंट मालिक कहता, जाओ कल से काम पर आना। फिर वो लड़का कहता, साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है। अभी मालिक उसे कुछ पैसे दे देता और लड़के के पीछे पीछे जाने लगता है। फिर मासूम बच्चा खाने की सामान खरीद कर घर जाता है और वो अपने छोटे भाई को खाना खिलाता है। ये सब देखकर मालिक दोनों भाई को अपने घर ले आता है और वो मालिक उसे पढ़ाता और अच्छे शिक्षा देता है। उसके कुछ साल बाद वही लड़की उनके रेस्टोरेंट में आती है। खाना खाने के बाद बिल पे करने की बारी आती है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं और पैसे न होने के कारण उसे बर्तन साफ करने का कहता है। इसलिए कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।